वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ जो बहुत ही घर में यूज़फुल होती है और अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसकी बहुत ही आपको ज़रूरत होती है और वो आपकी स्पेस भी बिल्कुल नहीं लेता। जब आप उसका यूज़ और साइज़ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि हमने पहले ये चीज़ें क्यों नहीं बनाई। ये इतनी सुंदर और इतना इजी बनने वाला है और ये बहुत ही कम कपड़े से बन जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत छोटे से बैग की, जो इस तरीके से फोल्ड होकर आपके साथ आपके लिए कहीं भी जा सकता है। आप कहीं भी जाएं, अपने पर्स में रखें, अपने आप ट्रॉली में रखें, आप कहीं भी ले जा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे खोल कर यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत ही आपके पास कम कपड़ा हो तो भी चलेगा, बस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको मैचिंग कैसे करते हैं। तो मैंने भी लिया है और कुछ इस तरीके से मेरे पास जो कपड़े पड़े थे मैंने उनका मैचिंग बिठाया और फिर मैंने इसे तैयार किया है। इसके लिए मैंने पहले 6x6 के दो टुकड़े काटे हैं बराबर और फिर उसको मैंने सिलाई किया है। ये कुछ इस तरीके से दो टुकड़े मैंने काटे हैं और अब इन्हें मैं ऐसे सिलाई कर लूँगी और ये सिलाई उल्टी साइड की ओर से की जाएगी और थोड़ा सा हिस्सा रखा जाएगा बिना सिलाई के, जिसमें से हम उसको सीधा करके फिर सिल लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से दो हमारी शेप के एक जैसे तैयार हो गए। फिर मैंने ली हैं ये दो पट्टियाँ और ये ली हैं 7x2, 7 इंच की इसकी लंबाई और 2 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है और इनको भी कुछ इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे साइडों में से, दोनों साइडों में से हम फोल्ड कर लेंगे ताकि धागे ना निकलें और फिर हम इसे इन पर लगाने के लिए तैयार करेंगे। कुछ इस तरीके से इसे हम फोल्ड कर लेंगे। और इस पे यूं रखकर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये दो हमारे एक जैसे पीस हो गए रेडी। फिर हम लेंगे एक कपड़ा जो 15x15 का होगा, उसके हम दो पार्ट लेंगे कुछ इस तरीके से। कलर आप कोई भी ले सकते हैं। हमारे ये दो पार्ट हो चुके हैं और अब जिस ओर हमने बैग का मुंह रखना है उस ओर से, और इनको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जिनको सिलाई आती है ये काम उनके लिए बहुत इजी है और उनको ये समझ में आ जाएगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। और ये हमारे हो गए दो हैंगर तैयार। जिस ओर हमने बैग का मुंह सिलाई किया है उसमें एक समान दूरी रखते हुए हम इस पे हैंगर अटैच कर देंगे और अच्छी मजबूत सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम इसमें सामान डालें तो ये उधर ना जाए। तो इस तरीके से हमारे बैग में हैंगर लग चुके हैं और जो हमने पीस बना के रखे हैं वो हम थैले के नीचे वाली साइड में इस तरीके से स्टिच कर देंगे। और ऐसे ही हम थैले के दूसरे पार्ट में भी उसी किनारे पे उसको स्टिच कर देंगे जिस ओर हमने पहले पार्ट को स्टिच किया था। ये देखिए, यहाँ पर एक थैले के ओर स्टिच किया तो उसी किनारे के दूसरे पार्ट में भी हमने स्टिच कर लिया है और अब दोनों सीधे पार्ट अंदर की ओर होंगे और उल्टा पार्ट ऊपर की ओर होगा और हम इन्हें 3 साइडों से इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं। और सिलाई करने के बाद तीनों ओर हम जब इसे सीधा करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम इसको पलट लेंगे
और ये हमारा पीस हो गया तैयार। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर हम इसके लिए दो डोरियां बनाएंगे जो 17x2 इंच की होंगी। ये डोरियां आप कुछ और लंबी भी रख सकते हैं, यानी कि आप इसके बदले 19 इंच भी रख सकते हैं, 20 इंच भी रख सकते हैं। मैंने फ़िलहाल 17x2 के दो पीस काट लिए हैं और उन्हें इस तरीके से फोल्ड कर कर दो बारीक डोरियां तैयार कर लेनी है और फिर उन्हें सेफ्टी पिन में डालकर देखिए कुछ इस तरीके से डाल देनी है। ये डोरियां डालते वक्त थोड़ा सा आप इसे गौर से देखिए, क्योंकि दोनों डोरियां अलग अलग मुंह से डलेंगी। और हम इनके किनारे पर एक नॉट लगा लेंगे ताकि ये निकले ना। इसमें आप मोती भी लगा सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। अब हम दूसरी डोरी लेंगे, उसे सेफ्टी पिन में डालेंगे और देखिए उसे अब हमने किस ओर से डालना है। यहाँ से हमने पहले डाला था, अब हम दूसरी ओर से इसको डोरी को डालेंगे। यहाँ से साइड की सिलाई जहाँ से बैक की हो रखी है, अब हम उस डोरी को यहाँ से डालते हुए आगे की ओर ले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से डोरी हमने डाली और उसको भी नॉट लगा दी और ये हमारी हो रही है छोटी सी स्ट्रॉबेरी तैयार। और ये हमारा एक सुंदर सा थैला तैयार हो गया और हमने इसे यू फोल्ड करके इस स्ट्रॉबेरी के बीच में डाल देना है। देखिए ये बहुत ही कम टाइम में बनने वाली चीज़ है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। और इस तरीके से हम दोनों ओर से डोरियां खींचकर इसको थोड़ा सा टाइट कर देंगे तो ये एक स्मॉल साइज की स्ट्रॉबेरी शेप में तैयार हो गई है। और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, जब भी कहीं मार्केट जाएं, कहीं घूमने जाएं तो ये आप अपने बैग में अपने साथ ज़रूर ले जाएं, ताकि जहां भी कहीं आपके पास एक्स्ट्रा सामान हो तो इसे खोलें और यूज़ कर लें। तो मैंने तो इस तरीके की काफ़ी सारी बना के रख ली हैं। देखिए कुछ इस तरीके से कोई भी कलर, कोई भी कपड़ा आपके पास हो जो यूज़लेस हो, थोड़ा सा मजबूत हो बस, तो आप भी इस तरीके से कुछ स्ट्रॉबेरी तैयार कीजिए और अपने साथ ले जाइए। है ना बेस्ट आइडिया, जो सभी लेडीज़ को पता होना चाहिए और आप अपने कपड़े को रीयूज़ करिए। तो ये है मस्त चीज़ें जो मैंने